अब सुनो, अब बात करेंगे किसकी बताओ, राणा कुंभा की। बढ़िया, डिटेल से की बात करेंगे। तो सुनो, जिस प्रकार मैं एडजस्ट कर रहा हूं, जहां तक वहां तक तो आप एडजस्ट करना। राणा कुंभा के पिताजी की डेथ कब हुई बताओ? 1433 में, और इसका शासन काल रहा था 1468 ईस्वी तक। बढ़िया ढंग से शासन काल रहा था, इसीलिए इसने अच्छा काम करवाया था। अब बात करते हैं इसकी माता जी की, बात कर लेते हैं कि इसकी माता कौन थी जिसने ऐसे शानदार पुत्र को जन्म दिया। तो बताओ हंसा भाई। अरे हंसा भाई नहीं थी, सौभाग्यवती। एक तो राष्ट्रपति बोल रहे हैं। लोबती को हटा देता हूं मैं, सौभाग्य देवी लिख देता हूं, बस सौभाग्य याद रखना है। पिताजी को तो आपको जानते ही हो, इसके पिताजी को तो मोकल तो लिखने की जरूरत नहीं है। देखो, इसके सामने दो समस्याएं थी जब इसका शासन काल शुरू हुआ, तो कितनी समस्याओं से घिरा हुआ था ये। दो समस्याएं थी इसके सामने, आराम से देखना दो समस्या कौन सी थी। तो एक तो इसकी समस्या थी अपने मतलब पिता के हत्यारों का क्या लेना चाहता था, बदला। का बदला। और दूसरा ये था कि मामा जो था ना, इसका मामा रणमल राठौड़, इस रणमल राठौड़ ने मेवाड़ पर कब्जा कर लिया, ये समझ लो। उनको हटाना इसका काम था, जो मारवाड़ के जो सरदार थे, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे थे, उसको कम करना था। तो रणमल राठौड़ के बढ़ते प्रभाव को कम करना, इसके सामने दो प्रारंभिक समस्याएं थी ये। अब सामने आती है पहली समस्या। अब पहली समस्या जब आती है, तो इसके पहली समस्या का निदान करने के लिए इसको पकड़ना पड़ेगा किस किस को बताओ? एक तो चाचा को, एक मेरा को, और एक मैपा पवार को। तो साहब कहते हैं कि इसने रणमल राठौड़ का सहयोग लिया। यहां देखता हूं मैं, एक तरफ तो कुंभा है, पहली समस्या की बात करते हैं। बिल्कुल, कुंभा ने सहयोग लिया, और सहयोग किससे लिया बताओ? भाई छोटा था उस समय, तो अकेला कैसे जीत पाएगा, ठीक है ना? रणमल राठौड़ और एक तरफ थे चाचा मेरा और महपा पवार। कौन था बताओ? महपा पवार। अब क्या किया कि कुंभा ने इसके सहयोग से, रणमल राठौड़ ने इन पर क्या किया बताओ? आक्रमण। तो रणमल राठौड़ ने जब इन पर आक्रमण किया, तो ये तो क्या हुए बताओ? मारे गए। लेकिन इसका चाचा का एक बेटा था, इसका चाचा का एक क्या था बताओ? बिल्कुल, इसका एक बेटा था जिसका नाम था एक्का। एक बार और समझा दूंगा, एक्का। और एक ये था महपा पवार, ठीक है ना? महपा पवार और ये एक्का, ठीक है ना? ये दोनों भागे और भाग के आए ये मालवा, और मालवा का उस समय सुल्तान था महमूद खिलजी। कौन था बताओ? महमूद खिलजी। भागकर यहां आए। अब एक बात बताओ, जिस प्रकार अमीर देव से अलाउद्दीन खिलजी ने उसको मांगा था, किसको बताओ? मोहम्मद साहा को। क्या अपने हत्यारे, क्या अपने पिताजी के हत्यारे इनको ये राणा कुंभा नहीं मांगेगा क्या? मांगेगा। तो सुनो आप बात को,
तो इसको पता चला, राणा कुंभा को पता चला कि मैपा पवार और इसका चाचा का जो बेटा था एक का, ये भागकर किसके पास पहुंच गए बताओ, मालवा के शासक महमूद खिलजी के पास। तो मैं भी महमूद खिलजी को कुंभा ने मैसेज पहुंचवाया था कि महमूद खिलजी मेरे विद्रोहियों को मेरे को लौटा दे, लेकिन महमूद खिलजी ने लौटाने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो जब लौटाने से मना कर दिया तो ऐसी स्थिति में कुंभा के द्वारा, किसके द्वारा बताओ, कुंभा के द्वारा इस पर आक्रमण किया गया था। इस पर क्या किया गया था बताओ, आक्रमण किया इस पर। तो आक्रमण किया तो ऐसी स्थिति में 1437 की बात है, 1437 में एक युद्ध होता है, एमपी की एक जगह आती है सारंगपुर, सारंगपुर नामक स्थान पर महमूद खिलजी और कुंभा में युद्ध हुआ था, उसको कहा जाता है सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध बताओ, सारंगपुर का युद्ध। तो आपको याद रखना है ये सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था और ये क्या हुआ बताओ, पराजित हुआ, पराजित तो हुआ ही था, लेकिन इसको कुंभा ने बना लिया क्या बताओ, बंदी बना लिया। ऐसा ऐसा कहते हैं कुछ इतिहासकार कि इसको बंदी बनाया, उसके बाद कहते 6 महीने के बाद छोड़ दिया इसको, लेकिन फिर इसको छोड़ने के कारण इसको कुंभा को इसने मुसीबतें ही मुसीबत पैदा की थी। एक इतिहासकार आता है फरिश्ता, कौन आता है बताओ, फरिश्ता आता है, फरिश्ता इतिहासकार आता है, कहते हैं कि छोड़ने के बाद कहते कि इस महमूद खिलजी ने कुंभा पर कुल टोटल 5 बार आक्रमण किए थे। कितनी बार आक्रमण किए, 5 बार आक्रमण किए थे, किसने बताओ, महमूद खिलजी ने। तो अगर ये नहीं छोड़ता तो ये कहते कि इसकी दयालुता देखी जा सकती है इसमें, इसकी कि किसी को बंदी बना के छोड़ना गलत किया था कुंभा ने, अगर ऐसा नहीं करता तो शायद कुंभा और आगे निकल सकता था। लेकिन आपको ये याद रखना है जब सारंगपुर का युद्ध जीता तो कुंभा ने डीजे का सेट प्रोग्राम सेट कर दिया और उस समय इसने खुशी मनाई थी क्योंकि इसने मालवा पर विजय प्राप्त की थी। तो मालवा विजय के उपलक्ष में ही राणा कुंभा थोड़ी देर में ही विजय स्तंभ का निर्माण करवाने वाला है। सुना है विजय स्तंभ का नाम, 9 मंजिला महल, अगर नहीं देखा हो तो मैं आपको यहां दिखाऊंगा, लेकिन यह बात आप ऐसे ही सेट करें, कर लिया ठीक, दोबारा देखो। बस आपको तो ये याद रखना है कि सारंगपुर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ, मालवा और मेवाड़, यहां लिख देता हूं अगर नहीं याद रहता है तो, यहां पे थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, मेवाड़ मालवा, बस इतना सा याद रखना है। इसमें जो कहानी है थोड़ी सी, बस इसने मार दिया चाचा मेरा को, मैपा पवार को नहीं लौटाया तो इसको ठीक है ना लाइन पे लगा दिया, लाइन पे लगाने के बाद इनको भी ठिकाने लगा दिया, ठिकाने लगाने के बाद इसको कैद कर लिया, कैद करने के बाद सर छोड़ दिया इसको, छोड़ने के बाद फरिश्ता ऐसे कहता है कि 5 बार आक्रमण किया था इसने कुंभा पर। आ जाए तो बता देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आओ आगे की बात, उम्मीद करता हूं सबके समझ में आ गई होगी जो भी लाइव देख रहे हैं। इसमें केवल एक ही बात काम की है कि सारंगपुर का युद्ध किनके मध्य हुआ, मेवाड़ और मालवा के मध्य हुआ, जिसमें मेवाड़ का जो शासक था राणा कुंभा था और मालवा का जो शासक था महमूद खिलजी था। बस इतनी सी फिल्म आपके समझ में आनी चाहिए और कोई बात नहीं है। ये चाचा मेरा ये नहीं पूछा जाएगा, बस आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, मैपा पवार वगैरह इसकी शरण में चले गए इसलिए इनको ये युद्ध लड़ना पड़ा था। अब सारंगपुर का युद्ध इसके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसी युद्ध के बाद ये विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है जो 1440 से लेकर 1448 तक उसका काम चलेगा। तो उसकी अपन थोड़ी सी बात करने वाले हैं। क्या यहाँ तक की बात कंप्लीट हो चुकी है क्या, ठीक है तो आओ अब एक लाइन लिखना पहले, जब मैं आपको वो चित्र बना के बताऊंगा फिर, ठीक है ना, लिखना सारंगपुर के युद्ध के बाद, सारंगपुर के युद्ध के बाद कुंभा ने विजय के उपलक्ष्य में
विजय के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में भगवान विष्णु को समर्पित विजय स्तंभ का निर्माण कराया। विजय स्तंभ का क्या करवाया? निर्माण कराया। तो फटाफट बताइए मुझे आप, कितने मंजिला है ये? नौ मंजिला है। कितने मंजिला है बताओ? नौ मंजिला है, ये समझ लेना आप। तो आओ, और बहुत बढ़िया बातें बताने वाले हैं हम यहाँ पे। ठीक है ना, बात करते हैं इसकी, विजय स्तंभ की। कौन से स्तंभ की बोलो? विजय स्तंभ की। तो आपको अब पता चल गया होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कितने मंजिला है ये बताओ? नौ मंजिला है, ठीक है ना। नौ मंजिला ये विजय स्तंभ है, ठीक है ना। अब इस विजय स्तंभ की अपन चर्चा करने वाले हैं। पहली बात तो किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया? तो अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, छोटी छोटी अपन बात करते हैं कि इसका जो निर्माण है, निर्माण इसका हुआ था 1440 से और 1448 तक इसका निर्माण हुआ है, और निर्माण करवाया महाराणा कुंभाने। वो लाइन लिखवा दिए मैंने, लेकिन आपको थोड़ा सा याद रखना है, इसके स्थापत्यकार से पूछा जाए, स्थापत्यकार, तो इसके स्थापत्यकार आपको याद रखना है। तो इसके स्थापत्यकार, एक का नाम तो है जैता, एक का नाम है कूपा, और एक का नाम है पूजा, पोमा भी कह सकते हो आप। इस प्रकार से लिखता हूं जिससे आपके ध्यान रहे थोड़ा सा। एक का नाम क्या है बताओ? कूपा, पूजा भी कह सकते हैं इसको, या पोमा भी कह सकते हो, दोनों को ही लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। आगे मैं बात करता हूं इसकी, देखो अगर मैं बात करता हूं ऊंचाई कितनी है इसकी, तो आप मुझे फटाफट कमेंट करके बताओ इसकी ऊंचाई कितनी है। इसकी ऊंचाई है 122 फीट। अब अगर मैं बात करूं कि इसमें सीढ़ियां कितनी है, बिल्कुल, अरे क्या बात कर रहे हो यार, इसी हिसाब से तो मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे आप देखने जाए वास्तव में, ठीक है ना, इसको तो इसमें जो सीढ़ियां हैं, आप जाओगे बिल्कुल सीढ़ियां बनी हुई है, बहुत सकरी सकरी सीढ़ियां बनी हुई है इसमें, हाँ बहुत खतरनाक सीढ़ियां हैं, ध्यान रखना। ये जो लास्ट मंजिल है ना, इसको और छोटी करता हूं मैं, क्योंकि ये छोटी मंजिल है, वहां देखोगे तो आपको बिल्कुल छोटी दिखाई देगी। बिल्कुल छोटी कैसे दिखाई देगी वो मैं आपको बता देता हूं। ये लास्ट मंजिल है, इस प्रकार दिखाई देगी आपको। इसमें जो कुल टोटल सीढ़ियां हैं, देखो कुछ भी आ सकता है, बहुत शानदार ये बिंदु है, सीढ़ियां है 157। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि चलो इसकी चौड़ाई कितनी है, तो इसमें आपसे चौड़ाई पूछी जाए तो इसकी चौड़ाई है 30 फीट। देखो आपको दिखाई दे रही है इसकी तीसरी मंजिल, कौन सी मंजिल बताओ? तीसरी मंजिल है ये, थोड़ी तीसरी मंजिल इसकी काम की है थोड़ी। इस तीसरी मंजिल पर यहां पर नौ बार, कितनी बार बताओ? नौ बार एक शब्द लिखा हुआ है यहां पे,
नौ बार कौन सा शब्द लिखा हुआ है बताओ? अल्लाह। इस शब्द को लिखाने का इसका कारण जो था वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इसने अल्लाह इसलिए लिखवाया था कि कोई मुस्लिम आक्रमणकारी इसको तोड़े नहीं, अल्लाह देखकर इसे छोड़ दे। बोले क्या लिखा हुआ है इस पे? अल्लाह। अब ये अल्लाह उनका भयंकर इष्ट है, इस पे तलवार चलाना उनके धर्म के विरुद्ध होता था, तो इसीलिए इसको नहीं तोड़ा है, आज तक सुरक्षित रखा है, नहीं तो अलाउद्दीन खिलजी ने पूरा चित्तौड़गढ़ दुर्ग तोड़ दिया। ठीक है ना? तो और भी कई आक्रमणकारी आए थे, ठीक है ना, औरंगजेब आएगा, औरंगजेब भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को खूब तोड़वाएगा, बुरी तरह से मूर्तियों को तोड़वाएगा औरंगजेब, लेकिन किसको नहीं तोड़वाएगा बताओ? इस विजय स्तंभ को छेड़खानी नहीं करेगा, क्योंकि इस पे अल्लाह लिखा हुआ है नौ बार, आपको ध्यान रखना है, वो भी कौन सी मंजिल पर? तीसरी मंजिल पर। ठीक है ना, ये बात हुई यहां तक। उसके बाद देखो इसकी नौवीं मंजिल पे आप जाओगे ना, जाना खूब खूब जा सकते हैं, 10-20 रुपए का टिकट है, ज्यादा रुपए का टिकट भी नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा जैसे हम कहां पर चढ़ रहे, बिल्कुल सकरी सिड्डिया है। तो यहां आप नाभी मंजिल पे जाओगे तो यहां पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी हुई है, ठीक है ना, प्रशस्ति बोला है मैंने, ना कि जैन कीर्ति स्तंभ बोला है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति यहां पर है। और इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की बात करूं मैं तो इसकी रचना किसने की थी? रचना अत्री ने की थी, अत्री ने, अत्री में पुत्र महेश ने की थी, अत्री में पुत्र महेश। कोई नई खबर अब तक की ये बताइए, पता? चलो बहुत बढ़िया, ये बात हो गई ना यहां तक। अब सुनो, अब ये विजय स्तंभ है ना, ये विजय स्तंभ को कुछ कहा जाता है, क्या क्या कहा जाता है वो देखते हैं। इसे जैसे मैं यहां लिखता हूं, जैसे इसे विजय स्तंभ तो कहा ही जाता है, विजय स्तंभ, इसे इंग्लिश में कहा जाता है विक्ट्री टावर, विक्ट्री टावर कहा जाता है इसे, और इसे क्या कहा जाता है, और इसे कहा जाता है हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर, क्योंकि इसकी हर मंजिल पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए गए हैं। आपको ऐसी कोई जगह ही नहीं दिखाई देगी जहां पर देवी और देवता का कोई ना कोई चित्र नहीं बना हुआ है। हर जगह दिमाग खराब हो जाता है कि यार इतनी खतरनाक कलाकृति करने वाला कोई अगर है तो वो कौन होगा। हर ऐसा बिल्कुल भी आप गैप ही नहीं देख सकते कि कलाकृति नहीं की गई है, सब जगह कलाकृति डिजाइन किया गया है इसका। तो पहली बात तो आपको यह याद रखना है, हिंदू देवी देवताओं का, इधर लिख देता हूं, अजायब घर, चिड़ियाघर नहीं बोला है मैंने, अजायब घर। और इसे कहा जाता है भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है, भारतीय मूर्ति कला का क्या कहा जाता है? विश्वकोश। और आपको मैं बता दूं इसको और क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है राजस्थान पुलिस का नाम सुना है ना, राजस्थान पुलिस के आपके यहां पे लगने वाले हैं सबके, जब उस पे देखोगे, उस प्रतीक चिन्ह पे देखोगे तो यही विजय स्तंभ दिखाई देगा आपको, राजस्थान पुलिस। या आपने दसवीं कक्षा की किताब देखी हो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उसका जो चित्र आता है उसमें भी इसी का है, या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह, ठीक, ये कुछ बातें हैं। और बता रहा हूं, कर्नल जेम्स टॉड ने इसे कुछ कहा था, और फर्ग्यूसन आता है एक इतिहासकार, कर्नल जेम्स टॉड ने
इसकी तुलना कुतुब मीनार से की है। कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था ये कुतुब मीनार से भी बेहतरीन है, दिल्ली में जो कुतुब मीनार है ना उससे भी गजब का है, ये कहा था। और फर्ग्यूसन एक इतिहासकार आता है वो ये कहता है कि जो रोम में जो टार्जन है, टार्जन एक इस प्रकार की इस प्रकार का महल बना हुआ है, तो उससे भी खतरनाक माना है, बोले उसकी समान है ये। तो कुछ बातें हैं वो आपको मैं बता रहा हूं। कहां पे? विजय स्तंभ के बाद है विक्ट्री टावर। इंग्लिश में विजय स्तंभ को विक्ट्री टावर कह सकते हैं। सभी दोस्तों के बात समझ में आई होगी यहां तक की। वो भी लिख देता हूं, हालांकि कौन से देवता को समर्पित है ये बताओ? विष्णु को समर्पित बात लिखा दी थी, इसीलिए इसे कहा जाता है विष्णु ध्वज। विष्णु ध्वज भी कहा जाता है कभी कभी पूछ ले तो, ठीक है ना। ये कोपा की जगह नापा लिख लेना, नापा है नापा, पोमा या पूजा बात एक ही है लेकिन, हाँ बिल्कुल एक जैसे है लेकिन है अलग अलग है ये, जिससे मैं, ठीक है ना। पुंजा ही पुंजा, पुंजा एक भील भी आएगा महाराणा प्रताप के समय, पुंजा भील। तो यहां तक की बात आप लिखिए। और दो बात मैं बताता हूं कर्नल जेम्स टॉड की, और ये लंबाई चौड़ाई भी थोड़ा सा याद रखना है। इसकी कौन सी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है, फटाफट बताइए। बिल्कुल सही बताया है। और इसकी कौन सी मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी हुई है? 9वीं मंजिल पर, जिसका रचना किसने की थी बताओ? अत्रि, और अत्रि का बेटा हुआ था महेश, उसने की थी। अब एक बात सुन लीजिए, थोड़ी सी मैं आपको और बता देता हूं। एक बार क्या हो गया, इस 9वीं मंजिल पर बिजली गिर गई। क्या गिर गई बताओ? बिजली गिर गई, बिजली। तो ये बिजली गिरने के कारण ये 9वीं मंजिल हो गई बताओ कैसी? खंडित हो गई। कैसी हो गई बताओ? खंडित हो गई साहब। तो इस 9वीं मंजिल का दोबारा से निर्माण करवाया गया था, इसका पुनः निर्माण हुआ था। याद रह जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। इसका पुनः निर्माण करवाया था 1911 में। कब करवाया बताओ? 1911 में करवाया गया था। तो ये जो निर्माण करवाया गया था, एक शासक आता है मेवाड़ का जिसका नाम आता है महाराणा स्वरूप सिंह, ठीक है ना। तो पुनः निर्माण आप याद रखना 1911। या फिर आपसे पूछ लिया जाए विजय स्तंभ का कौन सी मंजिल खंडित है, ठीक है ना, तो ये अभी भी थोड़ी सी खंडित रूप में ही है। तो आगे हालांकि अपन स्वरूप सिंह पढ़ेंगे जब इसके बारे में बात कर लेंगे, या मैं यहां लिख देता हूं महाराणा स्वरूप सिंह। ठीक है ना, ये मैंने वीडियो अपलोड किया है, इस वीडियो को अगर समझ में नहीं आता एक बार में तो इसको 2 बार देखे, 3 बार देखे, जितनी बार देखे उतनी बार ही फायदा है। अब यहां पर 2 बात करेंगे, एक तो कौन से इतिहासकार की बात करने जा रहे बताओ? कर्नल टॉड की, कि कर्नल टॉड ने इसे क्या कहा। और एक इतिहासकार और आता है जिसका नाम आता है फर्ग्यूसन। तो पहले तो बात लिखना कर्नल टॉड के अनुसार, बिल्कुल। शेयर करते रहे, लाइक करते रहे, कमेंट अच्छा लगा तो कमेंट भी करते रहे। और उम्मीद करना अगर कोई दुर्ग देखे या नहीं देखे, लेकिन चित्तौड़गढ़ दुर्ग जरूर देखना, क्योंकि उसी में पूरा मेवाड़ का इतिहास समेटा हुआ है उसी में, ठीक है ना। आपको पता है मीराबाई हुई थी, ठीक है ना, उसी में कुंभा हुआ था, उसी में बहुत सारे ऐसे अपने राजस्थान को बहुत आगे ले जाने वाले कई ऐसे राजपूत राजा हुए थे, जैसे महाराणा प्रताप। बहुत बढ़िया, कमेंट करिए कितने लोगों ने इसको देखा है विजय स्तंभ को, तो उसी हिसाब से, ठीक है ना। अगर नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख के आना है आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग।
क्योंकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग नहीं देखा तो मतलब ही नहीं है आपका राजस्थान में राजपूत, तो राजपूत भूमि पर जन्म लेने का ही समझ लो, या जन्म लेना सौभाग्य होता है, क्योंकि गुजरात चले जाओ गुजरात का इतिहास बहुत बेकार है, अन्य किसी भी राज्य में चले जाओ आपको ऐसा इतिहास मिलेगा ही नहीं। राजस्थान को राजपूतों की भूमि आज भी कहा जाता है, वीरों की भूमि आज भी कहा जाता है, और कहा जाता है तो केवल मेवाड़ वंश के कारण ही कहा जाता है। अगर हम सिर उठा सकते हैं राजस्थान में अन्य किसी जगह तो हम इसी मेवाड़ वंश के कारण ही सिर उठा सकते हैं, क्योंकि मेवाड़ का ही ऐसा वंश हुआ था जो कई सालों तक इसने अपना सिर नीचे नहीं झुकने दिया था अपने गौरव के लिए अपने सम्मान के लिए। तो ये जो इतिहास है बहुत शानदार इतिहास है, इसलिए आप यहाँ पे लिखिए कर्नल टॉड के बारे में एक लाइन लिखना, इन्होंने विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से बेहतरीन बताया। बेहतरीन बताया ठीक है ना। एक बोल रहा है बीरू लाल बोल रहा है राठौड़ मैं बूंदी से, तो बूंदी का तो तारागढ़ ही खतरनाक है ठीक है ना, बूंदी का तो तारागढ़ शानदार दुर्ग है। हाँ बूंदी में हम आए थे रहे थे लगभग, लेकिन देख नहीं पाए थे हम उस दुर्ग को, लेकिन पुनः दोबारा हम देखने आएंगे कभी ना कभी। तो अगली लाइन लिखना अब फर्ग्यूसन, लिखना इन्होंने इन्होंने विजय स्तंभ की तुलना इन्होंने विजय स्तंभ की तुलना रोम के टार्जन से की है। इन्होंने विजय स्तंभ की तुलना किससे की है बताओ, रोम किसकी राजधानी है जल्दी बताओ, इटली की, आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे बिल्डिंग है टार्जन, उससे की है इसने, ध्यान रखना है ये। और उसके बाद एक और खतरनाक बात सुनो, बात 15 अगस्त की है, कब की बात है बताओ, 15 अगस्त 1949 को ये भारत की पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था। तो आपको याद रखना है ये कि ऐसी पहली कौन सी इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था, तो विजय स्तंभ है। कौन सा स्तंभ है, विजय स्तंभ। तो नोट डाल के बढ़िया बात लिखे। लिखना यह है लिखना यह पहली ऐसी इमारत है यह पहली ऐसी इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 को जिस पर 15 अगस्त 1949 को डाक टिकट जारी किया गया था 15 अगस्त 1949 को क्या जारी किया गया बोलो, डाक टिकट जारी किया गया था। बिल्कुल 84 खंभों की छतरी हम देख के आए थे बूंदी में, गजब से फोटो खिंचवा के आए थे वहाँ पे, लेकिन बुरी बात ये रही थी कि हम तारागढ़ दुर्ग नहीं देख पाए थे बीरूलाल। लेकिन कुंभा खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत बातें हैं। इसके पीछे ही तो इसी विजय स्तंभ के पीछे कीर्ति स्तंभ बना हुआ है जिसका निर्माण करवाएगा जैन व्यापारी बघेरवाल, तो वो जो आएगी उसकी भी अपन बात करेंगे। 7 मंजिला है और 75 फीट की ऊंचाई में वो बना हुआ है, विजय स्तंभ के पीछे बना हुआ एक जैन कीर्ति स्तंभ, क्या बना हुआ है बताओ, जैन कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। अगर मैं बात करूं तो ये जो है सात मंजिला है, कितने मंजिला है बताओ, सात मंजिला है ये। बात किसकी कर रहा हूं अब मैं, किसके पीछे है बताओ, विजय स्तंभ तो कितने
मंजिला था नौ, लेकिन विजय स्तंभ के पीछे आप जाओगे तो पीछे की तरफ आपको जैन कीर्ति स्तंभ मिलेगा। इस जैन कीर्ति स्तंभ की अगर थोड़ी सी अपन बात करें तो इसका निर्माता कौन था? इसका निर्माण करवाया था एक जैन व्यापारी ने। किसने करवाया था बताओ? इसी प्रकार एडजस्ट करना इसको, ठीक है ना? सभी इसी प्रकार एडजस्ट करना जिस प्रकार मैं एडजस्ट कर रहा हूं। जैन व्यापारी के द्वारा करवाया गया था, उसका नाम था जीजा बगेरवाल। ओके, नाम है इसका जीजा बगेरवाल। और ये आपसे अगर पूछा जाए कि ये जो ये जैन कीर्ति स्तंभ जो है ये किसको समर्पित है, तो आपको याद रखना है ये समर्पित है भगवान आदिनाथ को, जो जैनों का पहला तीर्थंकर हुआ था। बस इतनी सी बात लिख लीजिए, उसके बाद और बढ़िया बातें बताने वाला हूं मैं। विजय स्तंभ के पीछे जैन कीर्ति स्तंभ में कीर्ति प्रशस्ति अलग है, वो तो नवी मंजिल पर थी, अत्री पुत्र महेश के द्वारा पूरी की गई थी, लेकिन जैन कीर्ति स्तंभ अलग है, सात मंजिला है। और इसकी ऊंचाई अगर देखें, चलो ऊंचाई भी लिख देता हूं अगर आ जाए तो, ऊंचाई इसकी है 75 फिट। बस आपको ये याद रखना है किसको समर्पित है ये, भगवान आदिनाथ को, जिसे आप कह सकते हो ऋषभ देव, जो जैनों का पहला तीर्थंकर हुआ था, तो इनके द्वारा इसे बनवाया गया था। सभी लाइव देख पा रहे हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आप जितने लोगों को जोड़ेंगे उतना शानदार गजब से आपको हम बताने की प्रयास करेंगे सारी बातों को। और अगर आप इस प्रकार से किसी को नहीं जोड़ते हैं तो लाइव को बंद कर दिया जाएगा, इसलिए लाइक और शेयर करते रहे। मैं देखता हूं अभी आप कितने लोगों को जोड़ पाए हैं। बिल्कुल, तुमने 5 लोगों को जोड़ दिया, इन्होंने 5 लोगों को, तुमने कितने लोगों को जोड़ा है बताओ? अच्छा, एक ये बोल रहे हमने पूरे गांव को जोड़ दिया है। अच्छा, पूरे गांव को तैयारी करवाएंगे, बहुत बढ़िया। अभी 24 लोग वाचिंग कर रहे हैं, लेकिन 24 लोगों ने केवल 4 लोगों ने लाइक किया है। उम्मीद करता हूं कि कुंभा के बाद इसको डिसलाइक, मतलब इसको बंद कर दिया जाएगा लाइव को, क्योंकि ठीक है ना, आप केवल फ्री में देखने का काम करते हैं, वाचिंग का काम करते हैं, आपसे केवल इतनी सी हम बात कहते हैं कि आप इसको शेयर किया करो, लाइक किया करो। अगर मजा आ रहा है तो ऐसे भी लिखा करो, ठीक है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छा। आओ अब इसके बाद की बात करते हैं, अब सुनना बात, देखियो देखना, यहाँ पे ये बात हो गई ना, ये इसका बनवाने का काम चल रहा है, अभी स्थापत्य का काम चल रहा है कुंभा का, तो ध्यान देना इसने ये काम तो करवाया ही था। अब कुंभा की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है बताओ? कुंभा। अब कहते हैं कि साहब कुंभा के शासन काल को मेवाड़ का उन्नति काल कहा जाता है, कौन सा काल? और इसके काल को कहा जाता है बौद्धिक काल, कौन सा काल बताओ? और इसके काल को कहा जाता है कलात्मक संस्कृति का काल, कौन सी संस्कृति का काल? कलात्मक संस्कृति का काल कहा जाता है, क्योंकि कलाओं का विकास हुआ था अलग अलग प्रकार से, ये स्थापत्य कलाओं का निर्माण किया गया था। आपको ध्यान देना है, आगे चल के अगर मैं बात करूं, एक ग्रंथ आता है वीर विनोद, कौन सा ग्रंथ आता है बताओ? ठीक है ना, श्यामल दास का ग्रंथ है ये। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार ऐसे कहते हैं कि साहब मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग है, कितने दुर्ग है बताओ? इन 84 दुर्गों में 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसीलिए कहते हैं कि महाराणा कुंभा के शासन काल को मेवाड़ का स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो फटाफट बताइए, आपसे अगर पूछा जाए राजस्थान में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके समय को कहा जाता है? मेवाड़ में नहीं, पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं,
राजस्थान में स्थापत्य कला का मतलब सबसे ज्यादा भवनों का निर्माण, दुर्गों का निर्माण इनकी देन थी अपने यहाँ पे राजस्थान में सबसे पहले। तो राजस्थान में स्थापत्य कला का जो स्वर्ण काल कहा जाता है महाराणा कुंभा के समय को कहा जाता है। बात समझ में आ गई ना? ओके आगे आओ। तो इनके द्वारा कुछ फेमस दुर्गों का निर्माण करवाया गया था। किन के द्वारा बताओ? महाराणा कुंभा के द्वारा। तो वो देखते हैं अपन कौन कौन से दुर्गों का निर्माण करवाया गया था, जिनमें सर्वश्रेष्ठ और सर्व सबसे फेमस जो दुर्ग आता है वो आता है कुंभलगढ़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़ का दुर्ग। तो पहले इन दो बातों को लिखते हैं, फिर अपन देखेंगे कि इनके द्वारा कौन कौन से दुर्ग बनवाए गए थे। इस लाइन के बाद अगली लाइन एडजस्ट करना, लिखना जिस प्रकार मैं एडजस्ट करता हूं, धीरे धीरे एडजस्ट करना। देखो सबसे फेमस और खतरनाक जो दुर्ग बनवाया था कुंभा ने, वो बनवाया था कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग बताओ? कुंभलगढ़ दुर्ग। और ये कुंभलगढ़ दुर्ग जो है ये मिलेगा राजसमंद में। कहां पर मिलेगा बताओ? राजसमंद में मिलेगा। इसका निर्माण करवाया भाई साहब ने 1458 ईस्वी में। निर्माण करवाने का भी रीजन था, महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी, पत्नी का नाम था कुंभली देवी, देखो मिलता जुलता नाम था कुंभा कुंभली देवी, ठीक है ना? बिल्कुल। तो कहते हैं कि जो इसका निर्माण करवाया था पत्नी कुंभली देवी की स्मृति में करवाया था। किसकी स्मृति में करवाया था? कुंभली देवी की स्मृति में। अब सुनो इस दुर्ग की बात थोड़ी सी मैं बता देता हूं आपको स्पेशली। कहते हैं कि इस दुर्ग के चारों तरफ प्राचीर खिंची हुई है, प्राचीर मतलब दीवार बनी हुई है, और 36 किलोमीटर लंबी दीवार है ये, जिसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। और इस दीवार के भीतर कहते हैं कि इस दीवार के भीतर बना हुआ है दुर्ग। क्या बना हुआ है बताओ? इस दीवार के भीतर बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है, वो भी बहुत ऊंचाई पर ये दुर्ग बना हुआ है, ठीक है ना? और इस दुर्ग के भीतर भी एक और दुर्ग बना हुआ है, समझ में आया? इस दुर्ग के चारों तरफ तो एक प्राचीर खिंची हुई है, और प्राचीर खिंचने के बाद इसमें बना हुआ है एक दुर्ग, और इस दुर्ग के भीतर भी एक और दुर्ग बना हुआ है ऊंचाई पर। तो सुनो ये जो प्राचीर है, प्राचीर की लंबाई अगर आपसे पूछी जाए, क्या पूछी जाए? लंबाई, तो कितने किलोमीटर है? 36 किलोमीटर। ओके उसके बाद ये जो दुर्ग है, ये भीतर तो है कटारगढ़ दुर्ग, और ये यहां पे है जो है वो कौन सा दुर्ग है बताओ? कुंभलगढ़ दुर्ग। तो सुनना कुंभलगढ़ दुर्ग की अगर मैं बात करूं, पहले इस कटारगढ़ दुर्ग की बात कर लेता हूं। इस कटारगढ़ दुर्ग की अगर मैं बात करता हूं तो इसे कहा जाता है कुंभा का निवास स्थल। कुंभा किस दुर्ग में रहता था? कटारगढ़ दुर्ग में। एग्जाम में आ जाता है तो कुंभा का निवास स्थल। कहते हैं कि इस कटारगढ़ दुर्ग से पूरे मेवाड़ को देखा जा सकता था, चित्तौड़गढ़ तक के एरिया को देखा जा सकता था, इसीलिए इस कटारगढ़ दुर्ग को कहा जाता है मेवाड़ की आंख। क्या कहा जाता है बताओ? मेवाड़ की आंख कहा जाता है। आगे जब महाराणा प्रताप पढ़ाऊंगा तो महाराणा प्रताप भी इसी कटारगढ़ दुर्ग के बादल महल में उनका जन्म होगा, ठीक है ना? तो ये कटारगढ़ दुर्ग और भी फेमस है, ठीक है ना? अब आओ इस कुंभलगढ़ दुर्ग की और बातें करते हैं अपन थोड़ा सा। ये कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि ये दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि अगर कोई पगड़ी पहन के अगर इसे देखे तो उसकी पगड़ी गिर जाती है, समझ में आया? तो ये किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? जल्दी बताओ किस दुर्ग के बारे में? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, ठीक है ना? ध्यान रखना एक लाइन तो ये आती है जिसे अपन दुर्ग में सेट करेंगे। लेकिन पिछली बार फर्स्ट ग्रेड 2016 का पेपर हुआ था, उसने ये पूछा था कि हमें तो ये बताओ इस कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन था, वास्तुकार पूछ लिया। तो आपको याद रखना है इसका जो वास्तुकार था वो था मंडन। कौन था बताओ? मंडन था।
तो प्रसिद्ध दुर्ग ये अपने राजस्थान का। तो थोड़ी थोड़ी बातें अपन हालांकि आगे करेंगे करने को तो, लेकिन छोटी छोटी बातें आप इस प्रकार एडजस्ट करना। फिर अचलगढ़ दुर्ग आएगा, मचाना दुर्ग आएगा, ठीक है ना। और इस प्रकार के ये कुछ दुर्ग है जो बनवाए थे, जो फेमस थे। तो ये बातें आप इसी प्रकार एडजस्ट कीजिए। 36 किलोमीटर लंबी दीवार है, बिल्कुल सही बताया। उसके बाद ठीक है ना, तीन दुर्ग और आते हैं इनके द्वारा बनवाए गए खतरनाक। दुर्ग तो ये हो गया, तीसरा दुर्ग मैं यहां लिखता हूं। दूसरा दुर्ग एक आता है अचलगढ़ दुर्ग। देखो पिछली इस बार ही सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था कि महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग नहीं है, तो चार ही फेमस है इसके, और कोई देता है तो वो ये समझ लेना कि नहीं है। वो अचलगढ़ दुर्ग आता है एक आता है बसंती दुर्ग और एक आता है मचान दुर्ग, ठीक है ना। ये जो तीनों दुर्ग हैं ये मिलेंगे सिरोही में। कहां पर मिलेंगे बताओ? सिरोही में मिलेंगे। अब बात करेंगे एक तो अपन चित्तौड़गढ़ दुर्ग की और एक कुंभलगढ़ दुर्ग की और एक अचलगढ़ दुर्ग की। इन तीनों दुर्गों में महाराणा कुंभा के द्वारा एक मंदिर बनवाया गया था जिसे कुंभ स्वामी मंदिर का नाम दिया गया था, ठीक है ना। तो एक तो दुर्ग आता है जिसे आप कह सकते हो चित्तौड़, एक कह सकते हो आप कुंभल गढ़ और एक कह सकते हो आप अचलगढ़ दुर्ग। इन तीनों दुर्गों में भाई साहब ने एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम आता है कुंभ स्वामी मंदिर। कौन सा मंदिर बताओ? कुंभ स्वामी मंदिर। लेकिन इनके समय एक व्यक्ति हुआ था जिसका नाम आता है भंडारी बेल का। इधर लिखता हूं, इस भंडारी बेलका के द्वारा चित्तौड़गढ़ में श्रृंगार चबरी का निर्माण कराया गया। अभी बताता हूं, टेंशन मत ले। पहला दुर्ग सेट कर लिया ना, यहां तक हो गया ना, ओके। इसके बाद पहला दुर्ग की मैंने आपको डिटेल्स बताई क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसको आगे भी अपन जब फोर्ट पढ़ेंगे, दुर्ग पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे। इसके द्वारा निर्माण करवाए गए दुर्गों की चर्चा कर रहे हैं अपन, जिसमें एक तो कौन सा दुर्ग बना, एक कौन सा दुर्ग बनाया, एक कौन सा बनवाया, एक कौन सा बनवाया, बात खत्म, बिंदु खत्म अपना। अब इसके द्वारा एक तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात है, एक कुंभलगढ़ दुर्ग की बात है, एक अचलगढ़ दुर्ग की बात है। इन तीनों दुर्गों में एक सेम मंदिर बनवाया था इसने जिसका नाम आता है क्या बताओ? कुंभ स्वामी मंदिर। अभी एडजस्ट मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इनके समय एक व्यक्ति हुआ भंडारी बेल का, और इस भंडारी बेलका के द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में श्रृंगार चबरी, श्रृंगार चबरी छोटा सा मंदिर है, उसका क्या करवाया गया था? निर्माण। तो यहां तक की बात आपने लिख ली होगी। लिखने के बाद ये लाइन सेट करना, मैं लिखवा रहा हूं। लिख ली हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा हो तो मैं लिखवाता हूं। ये लिख लिया क्यों नहीं? ठीक है, जल्दी फटाफट एडजस्ट कीजिए। जब तक मैं जो मेरे को लाइव देख रहे हैं उनको उनसे जोड़ता हूं आप। साइंस की क्लास लाइव लग रही है, साइंस नहीं चल रही है या राजस्थान जीके चल रही है, आप राजस्थान जीके के बारे में बात कर सकते हो। लोकेश ठीक है ना, मैटू ये लो, ये मैं लिखा दूंगा, ठीक है ना। ये दुर्ग, हाँ अब तसल्ली लो, बिल्कुल रामकेश सभी को धन्यवाद।
बिल्कुल राजकुमार सही बोल रहे हैं, लाइन नहीं चलती है, ऑफलाइन है कुछ दिनों से। लिखना कुंभा के द्वारा कुंभलगढ़ तथा अचलगढ़ दुर्ग में कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण कराया गया था। कुंभा के द्वारा चित्तौड़गढ़ कुंभलगढ़ तथा अचलगढ़ दुर्ग में कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण कराया गया था। ओके, फिर लिखना अगले लाइन से, लिखना इनके समय भंडारी बेलका द्वारा, नाम याद रखना है, शायद लाइब्रेरियन कुछ ऐसे पेपर हुआ 2016 में, तो उसमें आया था ये भंडारी बेलका वाला, तो ध्यान रखना है। लिखना इनके समय भंडारी बेलका के द्वारा चित्तौड़गढ़ में भंडारी बेलका के द्वारा चित्तौड़गढ़ में श्रृंगार चबरी का निर्माण कराया गया। भंडारी बेलका के द्वारा चित्तौड़गढ़ में श्रृंगार चबरी का निर्माण कराया गया, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जब आप एंट्री करोगे तो थोड़ा आगे चलने के बाद ये 101% मिलेगा आपको, श्रृंगार चबरी मैन उस पर लिखा होगा, आपको दिख जाएगा, श्रृंगार चबरी सतवीस देवरी, आगे थोड़ा सा आगे चल के सतवीस देवरी भी मिलेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये बात हो चुकी है। अब देखो कुंभा जो था वो इंटेलिजेंट व्यक्ति था, एक लेखक भी था, एक विद्वान था खतरनाक, इनके द्वारा बहुत सारे ग्रंथों की रचना की गई थी। तो एक बार तो 2017 वाला पेपर हुआ था शायद आरपीएससी वाला, तो उसमें यही पूछा था कि निम्न में से कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, और उम्मीद करता हूं कि आप मुझे इसका आंसर 101% देंगे। तो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, कुंभा के ग्रंथों को पढ़ने से पहले हम पहले एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वेश्चन मेरा यह है कि निम्न में से कुंभा का ग्रंथ नहीं है, ठीक है ना। चार ऑप्शन मैं दे रहा हूं, एक तो मैं आपको दे रहा हूं रसिक प्रिया, कौन सा है बताओ। एक मैंने आपको दिया है कला निधि, एक मैंने दिया आपको प्रबंध कोश, एक मैंने आपको दिया गीत गोविंद। बताओ आप, तुरंत आंसर बताइए मुझे, आपको जो लग रहा है आप मुझे, ठीक है ना, कमेंट करके आप तुरंत बता सकते हैं। प्रबंध कोश को इसे सूड प्रबंध भी कह सकते हैं आप, मतलब बात एक ही है। अब देखो आपका जवाब आ गया होगा, बोलो इनमें से कौन सा आपको लग रहा है गलत। इसको मान रहे क्या, इसको मान रहे, बस्सी में माधवपुर ऑफ ऑनलाइन कई लोगों ने माना है, और कला निधि को एक मान रहा बड़ी मुश्किल से, और कोई मान रहे हैं, कोई नहीं मान रहा। प्रबंध को सूड प्रबंध को कौन मान रहा है, और गीत गोविंद को कई लोगों ने माना है। देखो आपको मैं बता देता हूं, इसमें जो गलत आंसर है वो है ये कला निधि, इसको मंडन के बेटा गोविंद ने रचा था, ठीक है ना। इस पर कुंभा के द्वारा एक टीका लिखी गई थी, तो ये तो लिखा गया है, और इसके बाद ये रसिक प्रिया इसका सबसे प्रिय ग्रंथ है ये, तो ये भी लिखे गए थे। तो अब आपको एक हेडिंग डालना है, हेडिंग डालना कुंभा के ग्रंथ,
हेडिंग डालना कुंभा के ग्रंथ, तो सबसे बड़ा ग्रंथ लिखना सबसे पहले संगीत राज, ये कुंभा के द्वारा लिखा गया सबसे बड़ा ग्रंथ है। उसके बाद आता है रसिक प्रिया, प्रिया लग रहा है ना, तो ये प्रिय ही है, सबसे प्रिय ग्रंथ है ये इसका, बहुत अच्छा था, इसको पता नहीं दिन में कितनी बार पढ़ता था ये, ठीक है ना। एक आता है सूड प्रबंध, सूड प्रबंध आपको याद रखना है, एक आता है रतन कोश, मतलब रत्न कोश, और अंतिम जो आता है वो गीत गोविंद आता है, मतलब गीत गोविंद पर इसने टीका लिखी थी इसलिए। तो इनको आप एडजस्ट कीजिए, उसके बाद इसके कुछ विद्वानों की बात करेंगे, इसके दरबारी विद्वानों की, तो उनके द्वारा भी ग्रंथ लिखे गए थे, तो वो भी पूछे जाते हैं, जिनमें सबसे शानदार जो इनका जो दरबारी कवि था वो आता है, जिसके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था एकलिंग महात्म्य, जिसका नाम आता है कानड़ व्यास, कानड़ देव नहीं, कानड़ व्यास। तो ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए जो भी आप देख पा रहे हैं, और इसके बाद अगली जो हेडिंग होगी वो कुंभा के विद्वानों की बात करने वाले हैं अपन, तो अगली हेडिंग डालना कुंभा के दरबारी विद्वान, एक्सपर्ट विद्वान इसके समय जो थे। हाँ टीका, छोटा सा ग्रंथ होता है, मतलब टिप टिप के लिखाता है इसने, गीत गोविंद आपको पता है ठीक है ना, बहुत पहले लिखी गई थी हालांकि ये, लेकिन छोटा सा ग्रंथ लिखाता है इसने, इसके ऊपर श्रृंगार, वैसे चबरी तो उसको बोलते हैं आपको पता हो, जहां पे फेरा पाड़े जाते हैं ठीक है ना, जैसे आपको पता है रावण की चबरी मंडोर में मिली थी, तो चबरी उसको बोलते हैं, तो ठीक है ना, इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था ऐसे बोलते हैं। तो अब एक छोटी सी हेडिंग डालना कुंभा के दरबारी विद्वान, कुंभा के दरबारी विद्वान, कुंभा के दरबारी विद्वान, जिनमें सर्वश्रेष्ठ जो विद्वान आता है इनके समय का वो आता है कानड़ व्यास। और इस विद्वान का हम देखेंगे ग्रंथ, विद्वान का नाम आता है कानड़ व्यास, और कानड़ व्यास ने जो ग्रंथ लिखा था वो लिखा था एकलिंग महात्म्य। ये जो था कुंभा का सर्वश्रेष्ठ विद्वान, देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन या तो महाराणा प्रताप से आते हैं या फिर लाइट चली गई। ओके देखिए हम बात कर चुके हैं कानड़ व्यास की, और कानड़ व्यास के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है एकलिंग महात्म्य, जिससे कुंभा की जानकारी मिलती है, तो आपको याद रखना है ठीक है ना ये ग्रंथ। उसके बाद अगला जो इनका दरबारी विद्वान आता है वो आता है मंडन, कौन आता है बताओ, मंडन आता है, मंडन आपको पता होना चाहिए, ये एक शिल्पकार भी था ठीक है ना, तो शिल्पकार होने के कारण इसने कई ऐसे शिल्प पर आधारित ग्रंथ लिखे थे, जिनमें एक ग्रंथ आता है जिसका नाम आता है वास्तु मंडन। रूप मंडन भी इन्हीं का ग्रंथ था,
रूपमंडन, जिसे रूपमंडन आता है या रूपावतार कह सकते हैं, ये नहीं आया तो इसे रूपावतार भी कहते हैं। और इनके द्वारा एक और ग्रंथ लिखा गया था राजवल्लभ। अब ध्यान देना, मंडन का एक भाई भी हुआ था, ठीक है ना। तो मंडन का जो एक भाई होगा और एक पुत्र होगा, इनके द्वारा भी ग्रंथ लिखे गए थे। तो आप मुझे बताइए, मंडन का जो भाई होता है उसके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था, और इसका एक बेटा था मंडन का जिसका नाम गोविंद है, जो मैंने थोड़ी देर पहले ही नाम लिया था, जिनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था जो मैंने ऑप्शन में दिया था, वो कौन सा था? कौन सा था? कला निधि। तो कला निधि आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे मैं इसी प्रकार एडजस्ट कर रहा हूं, जैसे मंडन, मंडन का बेटा कौन था बताओ? गोविंद। और गोविंद ने लिखा क्या बताओ? ग्रंथ। और ग्रंथ का नाम जो था वो क्या था बताओ? ये थोड़ा डीपली मामला चल रहा है, यहां से आरएएस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और पूछे भी गए हैं। आरएएस में इन ग्रंथों से ही क्वेश्चन आया था, तो आपको ये याद रखना है। इनका भाई था नाथा, ध्यान देना। इनका जो भाई था वो कौन था बताओ? नाथा। और नाथा के द्वारा भी एक ग्रंथ लिखा गया था, ठीक है ना, जिसका नाम आता वास्तु मंजरी। इसी प्रकार आपको एडजस्ट करना है ये, जिससे कि ठीक अच्छा भी लगेगा। वास्तु मंजरी इनके द्वारा लिखा गया था, खतरनाक ग्रंथ था ये, फेमस ग्रंथ था वास्तु मंजरी। तो ये आपको याद रखना है, नाथा के द्वारा लिखा गया ग्रंथ था। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, हालांकि ये खुद ही एक्सपर्ट थे बीना बजाने में, बीना मतलब संगीत का बहुत ज्यादा इनको शौक था, हमेशा ये बीना, जब भी ये मतलब थोड़ा बहुत टाइम मिलता बीना बजाते थे। बीना बजाना इन्होंने किससे सीखा? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि महाराणा कुंभा ने बीना बजाना किससे सीखा था, तो आपको एक क्वेश्चन याद रखना है जिसको मैं यहां लिखता हूं। इनका जो संगीत गुरु था, और संगीत गुरु का नाम था सारंग व्यास। क्या नाम था बताओ? सारंग व्यास, ये भी ध्यान रखना है। तो इनके गुरु का नाम लिखिएगा। इतनी बात लिखने के बाद, ये तो हो गए इनके, ये दरबारी खतरनाक विद्वान थे जिनके द्वारा लिखे गए ये ग्रंथ थे। एक बार और बता दूंगा, बात समझ में आ जाएगी। फिर उसके बाद लिखना है इनका संगीत गुरु, और संगीत गुरु कौन था बताओ? सारंग व्यास। हाँ बिल्कुल, महाराणा कुंभा का ये, महाराणा कुंभा का संगीत गुरु है। महाराणा कुंभा की बेटी भी आएगी रमाबाई, और रमाबाई भी संगीत की बहुत ज़्यादा शौकीन थी, ठीक है ना, संगीत शास्त्र की ज्ञाता थी, जिसे बागीश्वरी के नाम से भी जाना गया है इतिहास में। तो उसकी भी अपन बात करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, और उसके बाद अभी थोड़ी देर बाद ही इनकी उपाधियों की भी बात करने वाले हैं। इतनी उपलब्धियाँ होते हुए भी महाराणा कुंभा ने ऐसी कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी जिनके कारण वो इतिहास में चर्चित है। तो पहले इनकी बेटी का नाम लिखें, और बेटी भी संगीत शास्त्र की ज्ञाता थी, ठीक है ना। तो लिखना एक लाइन, लिखना कुंभा की पुत्री रमाबाई थी। कुंभा की पुत्री रमाबाई थी जो संगीत शास्त्र की ज्ञाता थी जिन्हें बागीश्वरी की
जिन्हें बागीश्वरी के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें बागीश्वरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो यहां तक की बात सबके समझ में आ गई होगी, जो भी मेरे को देख पा रहे हैं। लास्ट में सीताराम, शेर सिंह, संगीता, ठीक है ना, कई लोग जुड़े हुए हैं, राहुल, रकम, लाइक भी करते रहे। केवल आप जो हमें दे सकते हैं तो वो केवल आप लाइक कर सकते हैं, और अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब इसके बाद अपन देखते हैं इनके द्वारा कौन कौन सी उपाधि धारण की गई थी। पहले एक बार देखो, महाराणा कुंभा के समकालीन विद्वान एक्सपर्ट की बात करते हैं तो एक नंबर पे कौन आता है? कानड़ व्यास। एक बार देखना, यहां से क्वेश्चन हर बार आया है, क्वेश्चन हमेशा गलत होने की पूरी संभावना होती है। पहली बात तो यह है कि महाराणा कुंभा के द्वारा पांच ग्रंथों की चर्चा आती है, चार तो मूल रूप से ग्रंथ, एक टीका लिखी गई थी। तो महाराणा कुंभा द्वारा सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा लिखा था? महाराणा कुंभा द्वारा लिखा गया सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा? संगीत राज, संगीत पर लिखा था उसने। उसके बाद आपको बताना है इनके द्वारा लिखित सबसे प्रिय ग्रंथ कौन सा था? बोलो, रसिक प्रिया। उसके बाद तीसरा ग्रंथ कौन सा था? कौन सा? सूड प्रबंध। और चौथा ग्रंथ कौन सा था? कौन सा? ठीक है ना, रत्नकोश। और एक ग्रंथ पर टीका लिखी थी, वो कौन सा था? उस इसके समकालीन जो सबसे बेस्ट जो विद्वान था उसका नाम क्या आता है? और कानड़ व्यास के द्वारा ग्रंथ लिखा गया कौन सा? एकलिंग महात्म्य, जिसमें कुंभा की जानकारी मिलती है। इसमें सबसे ज्यादा जानकारी देने वाला ये ग्रंथ है, कुंभा का सर्वश्रेष्ठ विद्वान। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आता है? ये जो मंडन था, ये विद्वान तो था ही, लेकिन ये था शिल्पकार भी था। ये क्या था बताओ? शिल्पकार था, कारीगर था, ये तगड़ी कारीगरी करता था, जभी तो इसने कुंभलगढ़ दुर्ग को बना दिया इतनी ऊंचाई पर। छोटी मोटी बात नहीं है, इतनी ऊंचाई पर दुर्ग बनाना। चीन की दीवार अगर राजस्थान में कहा जाता है तो वो इस कुंभलगढ़ दुर्ग को ही कहा जाता है राजस्थान में। ऐसे कहते हैं कि चंद्रमा से देखी जा सकती है। अब हमने चंद्रमा से नहीं देखा है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि चंद्रमा से दो ही जगह देखी जा सकती है, एक तो चीन की दीवार और एक कुंभलगढ़ की दीवार। ज्यादा फर्क नहीं है। आप अगर कुंभलगढ़ को देखने जाते हो, उस दीवार से अगर नीचे की तरफ झांकते हैं ना, तो आपको लगेगा जैसे गया नीचे में। तो राजस्थान के दो खतरनाक दुर्ग है ये, एक तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग और एक कुंभलगढ़ का दुर्ग, दोनों खतरनाक दुर्ग है। अगर इनको आप देखोगे तो बाकी में आप सोचने लायक, आप ये सोचोगे कि ये दुर्ग बनाए तो कैसे बनाए। उस समय इतनी खतरनाक कोई मशीन भी नहीं थी, आम नागरिकों के द्वारा बनाए गए ये दुर्ग थे। तो इतनी तगड़ी प्राचीर बनाई होगी तो कैसे बनाई, सोचो। आज तो मशीन काम में ली जा रही है, उस समय कोई मशीन नहीं थी। तो उस समय इन दुर्गों को बनाना एक वास्तव में एक अनूठा, ठीक है ना, एक प्रयोग था। तो ये शिल्पकार था, इसके नेतृत्व में एक दुर्ग बनाया था, कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है ना। इनके द्वारा, ठीक है ना, कई ग्रंथ लिखे गए थे, वास्तुमंडन, रूपमंडन, रूपावतार और राजवल्लभ। रूपमंडन और रूपावतार ऐसे ग्रंथ है जिनमें इनकी स्थापत्य कला की जानकारी मिलती है। उसके बाद इनका बेटा था गोविंद, गोविंद के द्वारा ग्रंथ लिखा गया था कला निधि, ठीक है ना, ये ऑप्शन में दिया था और इनके समय लिखा गया था। ये मंडन का भाई था नाता, नाता के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था वास्तु मंजरी। कुंभा का संगीत गुरु हुआ था सारंग व्यास, ठीक है ना। कुंभा की पुत्री हुई थी रमाबाई, जो इतिहास में बागीश्वरी के नाम से फेमस हुई थी। उसके बाद आगे की बात यह है कि कुंभा ने कई उपाधियां धारण की थी। तो अब एक छोटी सी हेडिंग डालना, कुंभा द्वारा निम्न उपाधियां धारण की गई थी। तो एक तो इसने धारण की थी अभिनव भट्टाचार्य, ठीक है ना, वीणा बजाने के कारण। एक इसे कहा जाता है हिंदू सुल्तान, इसके समान कोई लगा ही नहीं उस समय। और एक साथ लिख रहा हूं मैं,
इनको कहा जाता है, दान देता था इसलिए दान गुरु कहलाया। अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान, इन्हें कहा जाता है हाल गुरु, इन्हें कहा जाता है छाप गुरु, इन्हें कहा जाता है राणे राय। ये कई उपाधियां थी इनकी एक साथ। एक इन्होंने धारण की थी महाराजा, बिल्कुल कई उपाधियां थी इनकी, बहुत ज्यादा उपाधियां थी। आपको तो ये दो याद रखनी है शुरू की, ज्यादातर एग्जाम में यही देता है वो। अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है ना। और कोई गुरु लगाना चाहे तो आप राजगुरु भी लगा सकते हो। अनेक उपाधियां धारण की थी इन्होंने, लेकिन ये तो ज्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए इनके आप स्टार लगा सकते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद अब इनकी ऐतिहासिक कुछ बातें आती है कि इन्होंने कुछ युद्ध भी लड़े थे, तो वो बातें अपन करने वाले हैं। और आपको पता भी होगा कि इनके समय इनका मामा था, मामा कौन था बोलो, रणमल राठौड़। रणमल राठौड़ का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और प्रभाव बढ़ने के कारण वो पूरे मेवाड़ भी अधिकार करना चाह रहा था। ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई किसको, कुंभा को। तो कुंभा इस प्रॉब्लम में फंसा हुआ था कि इन मारवाड़ सरदारों को कैसे यहाँ से भगाया जाए। तो भगाया जब जाए, जब रणमल राठौड़ को भगाया जाए, पहले मामा को भगाया जाए। तो मामा भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि मामा जो है राणा कुंभा को ही मरवाने की फिराक में था। तो हुआ क्या, कौन सी फिल्म सेट हुई ऐसी जिसके कारण रणमल राठौड़ सलट गया था। तो आइए बात करते हैं इसके आगे की कहानी, सुनिए। ये तो इसकी कुछ लोकप्रियता थी, इसकी बौद्धिक कलात्मक जो संस्कृति के रूप में जानी जाती है वो कुछ बातें थी। अब ध्यान देना, ये उपाधियां थी, आपने नाम सुना होगा आबल बाबल की संधि। अब सुनिए, आबल बाबल की संधि क्या थी वो सुनो। आबल बाबल की संधि, इतिहासकार, बिल्कुल इतिहासकार इस संधि को मानते हैं कि ये जो संधि है ये हुई थी 1453 ईस्वी में। तो देखिए हुआ क्या, जैसे इधर सपोज करो ये मारवाड़ है, ठीक है ना, और इधर ये है क्या बताओ, मेवाड़। रणमल राठौड़ के समय ये क्या है, मारवाड़ बिल्कुल मेवाड़ की सीमा पे आ गया था, कब्जा कर लिया। अब प्रॉब्लम हो गई थी कि एक तरफ तो था मेवाड़ का शासक, मेवाड़ का शासक कौन था बताओ, कुंभा, और एक तरफ था मारवाड़ का शासक, और मारवाड़ का शासक कौन था बताओ, रणमल राठौड़। फिल्म को समझना पहले। अब ये क्या है कि ये अधिकार करता ही जा रहा था। मैंने शुरू में बताया था कि राणा कुंभा को शुरू में ही दो प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा था, एक तो अपने पिताजी के हथियारों का बदला लेना, वो काम तो कर लिया, मार दिया ना। उसके बाद दूसरी बात ये थी कि रणमल राठौड़ के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना, इसका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था तो इसको रोकना था। अब क्या है कि रणमल राठौड़ की कमजोरी पकड़ी भाई साहब ने कुंभा ने, कि वैसे तो नहीं मानेगा मामा, लेकिन दूसरे तरीके से मानेगा। अब इसने पता लगा लिया रणमल राठौड़ का कि रणमल राठौड़ है ये चाहता है एक दासी को जिसका नाम था भारमली। क्या नाम था बताओ, भारमली था। इसका पता लगा लिया ये किसको चाहती, ये रणमल राठौड़ किसको चाहता था, ऐसे बोल दिया दासी को, ठीक है ना। हाँ, दासी कोई ऐसे ही थोड़ी होती थी, दासी भी खूबसूरत हुआ करती थी, ठीक है ना। आपने नूर जहां का नाम सुना होगा, जिसे इतिहास में मेहरून इंसान के नाम से जाना जाता है, जिसने निकाह बाद में अपने पति की मृत्यु के बाद जागीर से किया था, जो आगे चल के एक बेगम बनी थी, जिसके सिक्के छपे थे, जिसकी मोहर लगी थी, इतनी खूबसूरत थी कि जागीर देखते ही बेहोश हो गया था उसको, और जागीर ने उसे अपने दरबार में प्रत्येक कार्य करने की अनुमति दी थी, सरदारों को जो भी थे उसके सबको, ठीक है ना, ऑर्डर देने की अनुमति दी थी। तो ऐसी कई राजाओं की ऐसी कई दासियां हुई थी
जिन्होंने विवाह किए थे, तो ये उनमें से चुनिंदा एक बारमली थी जिसको रणमल राठौड़ चाहता था, लेकिन ये बारमली इसको नहीं चाहती थी। बारमली किसको चाहती थी बताओ? हाँ बिल्कुल, होगी फिल्म सेट, बस इतना सा ही तो काम है। अब क्या करता है ये बार, ये रणमल राठौड़ है ना, ये रणमल राठौड़, ये रणमल राठौड़ ने इतना मूड बनाया। मूड कैसे बनाया? रणमल राठौड़ ने बोले ज्यादा बोल रहा है ये कुंभा, इसको सलटाया जाए, टपकाया जाए। तो क्या किया रणमल राठौड़ ने? बारमली को बुलाया, बारमली इधर आ, आज ऐसा कर राणा कुंभा को ले जा तू पैक बना के, मतलब कोई सोमरस लेकर लेके जा, उसमें मैं डालूंगा जहर, और उसको जहर को किसको पिलाना है तेरे को? कुंभा को पिलाना है। ये बात सेट कर दी बारमली के दिमाग में इस रणमल राठौड़ ने। एक बात बताओ, अपने प्रेमी के साथ ऐसा कर सकती है क्या? कर सकती है क्या? जिंदगी में नहीं कर सकती है। जिसको ये चाहती है उसके साथ ऐसा कैसे करेगी बताओ? जिस जो जिसको बारमली अपना चांद समझ रही है, उस चांद को कैसे टपकाएगी ये? तो इसने बात इसके कान में पड़ गई। अब रोज रोज बारमली के ऐसे ऐसी प्रक्रिया करती, लेकिन इसको टाल देती थी, टाल देती थी। एक दिन मूड खराब हो गया बारमली का इन इसकी बातों को सुनते सुनते, बोले जहर लेके जाए, ऐसे कर ऐसे कर। तो एक दिन बारमली को गुस्सा आ गया, और गुस्सा आने के कारण कहते हैं कि बारमली ने ये सब बात कुंभा को बता दी कि इस प्रकार से आपका मामा मेरे को जहर देना चाहता है और आपको मरवाना चाहता है। कुंभा ने बोला इधर बैठ आराम से तसल्ली से। तो कहते हैं कि ये जो सोमरस भेजा है ना तूने, ठीक है ना, बढ़िया ढंग से पैक बनाना श्याम को, क्योंकि वो तेरे को चाहता है, वो तेरी बात को टाल नहीं सकता है, इसलिए बढ़िया ढंग से पैक बनाना, और पैक बनाने के बाद इतनी ओवर पैक बना देना कि ये जिंदगी में दोबारा उठ ही ना पाए। उल्टा काम कर दिया। तो जो मेरे को मरवाना चाह रहा है भाई, उसने सोचा जो मेरा पतन करना चाह रहा है, उसका पतन पता चल गया अपन को विश्वासघात का, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो उस जड़ को ही साफ करे ना पहले। तो कहते हैं कि बारमली ने जो जहर लेके गई थी ना इसके पास, उस जहर को किसको दे दिया बताओ? सांप जहर दे दिया, ऐसे कहते हैं इतिहासकार, कुछ इतिहासकार। और ये जो जहर दिया था, ये दिया था 1438 ईस्वी में। कब दिया था बताओ? 1438 ईस्वी में जहर दे दिया, ये मारा गया। अब मारा गया था तो इसका एक बेटा था, बेटा जिसका नाम आता है राव जोधा। क्या नाम आता है बताओ? राव जोधा आता है। राव जोधा उस समय चित्तौड़ में ही था, राव जोधा चित्तौड़ से हो गया, बोलो क्या बताओ? फरार, फरार हो गया साहब। और फरार होके ये गया था मंडौर की तरफ। किधर की तरफ गया बताओ? मंडौर। तो मंडौर से भी राणा कुंभा ने भगा दिया था, मंडौर से राणा कुंभा ने भगा दिया था। भगाने के बाद एट लास्ट में ये जैसे तैसे कहीं शरण लेके रहने लग गया था। आगे चल के इसी राव जोधा ने 1459 में जोधपुर की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की बताओ? जोधपुर का संस्थापक यही राव जोधा है, जो किसका बेटा था बताओ? ठीक है ना, जोधपुर का संस्थापक कहा जाता है इसे, आगे जब अपन राठौड़ वंश पढ़ेंगे तब बढ़िया ढंग से बात करेंगे। लेकिन साहब फरार हो गया, दोनों में आपस में मेवाड़ और मारवाड़ में लड़ाई हो गई। फिर से मेवाड़ एक छोटी रियासत थी, लेकिन मारवाड़ बहुत बड़ी रियासत थी और शक्तिशाली रियासत थी। आज भी मतलब आज भी बहुत बड़ी है ये समझ लो, जैसलमेर जहां पे है सबसे बड़ा ही है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में लड़ाई हो गई, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसकी बुआ का नाम क्या था। बुआई थी ना, ठीक है ना, कोई भी थी। अंसा भाई का नाम तो सुना है ना, ठीक है। अंसा भाई ने एक तो कुंभा को और एक किसको बताओ? राव जोधा को समझाया। कुंभा की जो प्रॉब्लम थी वो यही थी कि मेवाड़ की सीमा को डिसाइड किया जाए भाई, जो मतलब जबरदस्ती जिस सीमा का इन्होंने मतलब इन पर इन्होंने जो आक्रमण कर लिया है, मारवाड़ के लोगों ने अधीन कर लिया है, जो अधीन हमारी जो है भूमि, उसको क्या किया जाए अलग। अब कैसे किया जाए साहब? उस समय ना तो पीता होते थे ना कुछ भी होते थे। अब मारवाड़ किस बात से पता लग जाता कि यहां से मारवाड़ शुरू है? बाबल का मतलब होता है बबूल के पेड़। किसके पेड़ बताओ? आबल का मतलब होता है आम और आंवला के पेड़। आम और किसके पेड़ बताओ? आंवला के पेड़। अब एक बात बताओ, आम और आंवला के पेड़ तो वही होंगे जहां बढ़िया ढंग से पानी होगा, और बबूल तो वही होगा जहां पर रेगिस्तान होगा। तो मारवाड़ तो रेगिस्तान ही था,
तो कहते हैं कि जहां तक बबूल के पेड़ थे ना, वहां तक की बाउंड्री तो अभी थोड़ी देर बाद मारवाड़ के अधीन कर दी जाएगी, और जहां से आम और आंवला के पेड़ शुरू होते हैं वहां से मेवाड़ की बाउंड्री निर्धारित की जाएगी। ये निर्धारण करने का काम करवाएगी हंसाबाई। कौन करवाएगी बताओ? हंसाबाई। एक तो कुंभा को बुलाएगी और एक राव जोधा को बुलाएगी, ठीक है ना, और समझौता करवाएगी। क्या करवाएगी बताओ? समझौता। और ये जो समझौता करवाएगी वो कौन करवाएगी बताओ? हंसाबाई। हंसाबाई ने ये समझौता कराया था, और इस समझौते के बाद आवल बावल की संधि हुई, और आवल बावल की संधि से ही मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का क्या हुआ था? निर्धारण हुआ था। तो बस ये इतिहास में इसलिए फेमस है, ठीक है ना, तो इस बात को आप एडजस्ट कीजिए। अगर ऐसा लगता है कि गड़बड़ी हो जाएगी तो वीडियो देख लेना, ठीक है ना। वैसे आपके काम की बात केवल इतनी सी है। आपसे इतना पूछा जाएगा मेवाड़ में मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किस संधि के तहत हुआ था, ठीक है ना। ये जो बारमली की बात है वो आपसे नहीं पूछी जाएगी, ये तो केवल थोड़ी सी स्टोरी है जिससे आपको सारी बात याद आ जाए, ठीक है ना। मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ, और थोड़ी देर बाद देखेंगे कि राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह, राव, ठीक है ना, राव जोधा ने अपनी पुत्री, ठीक है ना, पुत्री आएगी इसकी जिसका नाम आएगा श्रृंगार देवी, श्रृंगार देवी का ये विवाह करेगा, ठीक है ना, राणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ, ठीक है ना। तो रायमल की बात करेंगे तो रायमल का अगला खतरनाक जो बेटा होगा वही सांगा आएगा, राणा सांगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार की थोड़ी सी बात आप एडजस्ट की। चंपानेर की संधि, कौन सी संधि बताओ? चलो मैंने इतना बता दिया आपको, चंपानेर की संधि हुई तो कब हुई, कब हुई थी बताओ? एक ने जवाब दिया मुझे 1457, बता कब हुई, पढ़ लिया तो, और बताओ, और कौन बता रहा है? नहीं बता रहे, जो भी मेरे को लाइव देख रहे हैं वो भी मुझे बताए, जो मेरे को लाइव देख रहे हैं वो भी मुझे बताए कि ये संधि हुई तो कब हुई थी। बस्सी वाले मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? एक बार साथ जुड़ जाइए सभी के सभी, वेरी गुड, आप दिखाई दे रहे हैं, चुपचाप बैठे, ठीक है ना, हाँ। तो याद रखना है ये जो संधि हुई थी ये कब हुई थी बताओ? 1456 में हुई थी, ठीक है ना। ये जो संधि हुई थी कब हुई थी बताओ? 1456 में हुई थी। ये किस किस के मध्य हुई थी? एक तरफ तो मालवा आता है और एक तरफ आता है गुजरात। मालवा और गुजरात के मध्य में हुई थी ये संधि, ठीक है ना। तो ध्यान देना, मालवा का उस समय जो शासक था वो कौन था, या सुल्तान था वो कौन था, जिसको आगे चल के इसी के समकालीन आगे जो इसका शासक आएगा मालवा का, जिसे राणा कुंभा ने कैद भी किया था, आपको पता हो तो, कैद किया था 6 महीने के लिए, कैद करके बाद में छोड़ दिया था, तो आपको पता होना चाहिए इस समय महमूद खिलजी था। कौन था बताओ? महमूद खिलजी था, और वो भी प्रथम। तो आप मुझे बताइए इधर गुजरात का कौन था? कुतुबुद्दीन था, बताया था मैंने, ये नाम मैं पहले ले चुका हूं। मैं इस समय जो था गुजरात का वो था कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं था, केवल कुतुबुद्दीन था। अब इन्होंने प्लान बनाया, क्योंकि इसको तो ये कैद कर ही चुका था, इसको तो बुरी तरह से पीट ही चुका था कुंभा, तो ये तो बदला लेना चाह रहा था, जबकि कुंभा ने इसको छोड़ा था, अपनी उदासीनता दिखाई थी कुंभा ने इसको छोड़ के, बोले ठीक है जा तू, छोड़ा मैंने तेरे को, ठीक है ना। तो उस समय कुंभा ने कहा भी मार दिया जाए छोड़ दिया जाए, बोले साहब जो किया जाए वो कर लो आप, तो कुंभा ने इसको छोड़ दिया था। तो उसके बाद क्या है कि ये क्या है कि कुंभा के खिलाफ ही षड्यंत्र रचने लग गया था, कुंभा पे अटैक करने लग गया था, और फरिश्ता एक आता है इतिहासकार, तो वो कहता है कि कुंभा पर इसने छोड़ने के बाद 5 बार आक्रमण किए थे, और एक प्लानिंग ये बनाई गई थी। ये प्लानिंग क्या थी वो सुनो थोड़ा सा।
महमूद खिलजी ने और कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं था, कुतुबुद्दीन ही था केवल, इन दोनों ने प्लानिंग सेट की थी। देखो मैं, इसने कहा मैं अकेला नहीं जीतूंगा कुंभा से, इसलिए आप मुझे सहायता दो, सैनिक सहायता, और सैनिक सहायता की सहायता से ही अपन इस कुंभा को पराजित कर सकते हैं। अब ये बातें जो है ये इनकी प्लानिंग सब कुंभा के जासूसों ने सुन ली, इनके जासूस लगे होते थे हर जगह, तो जासूसों ने ये बात जब सुन ली थी तो ऐसी स्थिति में इनके द्वारा बनाई गई थी ये योजना। इस योजना को कुंभा ने क्या कर दिया बताओ, विफल कर दिया, क्या कर दिया बताओ, विफल किया, कुंभा ने विफल किया ऐसे कहते हैं। अर्थात ये कुंभा पर अटैक नहीं कर पाए थे, अर्थात इस योजना को कुंभा ने विफल कर दिया। एट लास्ट में ये चंपानेर की संधि भी ठीक है ना खत्म हो गई थी, कोई मतलब नहीं निकला इसका, लेकिन इन्होंने आक्रमण करने का सोचा था जिसने कुंभा ने इसको विफल कर दिया। अंतिम बिंदु आता है फिर, ठीक है ना, अंतिम बिंदु आता है कि जब कुंभा की लास्ट स्टेज आती है, अंतिम जीवन का अंतिम काल चल रहा होता है, तो कुंभा को एक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है बताओ, रोग हो जाता है, उन्माद नामक रोग हो जाता है। उन्माद जो रोग होता है वो आता है पागलपन के दौरे आते हैं इसमें, किसके दौरे आते हैं बताओ, पागलपन के दौरे आते हैं, मतलब दिमाग खराब रहता है, पागलपन के दौरे आते हैं, जो मन में आता है बोलता रहता है। तो आपको पता होना चाहिए इसके दो बेटे थे, ठीक है ना, इसके कितने बेटे थे बताओ, दो बेटे थे, दो बेटे ठीक है ना, दो पुत्र थे, एक का नाम क्या था बताओ, बड़े बेटे का नाम था उदा, क्या नाम था बताओ, उदा, और छोटे बेटे का नाम क्या था बताओ, रायमल था, क्या था बताओ, रणमल नहीं था, रायमल था। अब ध्यान देना, इसको पागलपन के दौरे आते थे, इसलिए उदा ने कुंभा की क्या कर दी बताओ, उदा ने कुंभा की कर दी बोलो हत्या, क्या कर दी बताओ, हत्या, सल्टा दिया कुंभा को, मार दिया गया था। एक मामा देवकुंड आता है, कटारगढ़ दुर्ग के पास ही मामा देवकुंड आता है, वहां पर बैठा हुआ था कुंभा, अचानक से इस पर हमला किया उदा ने, और उदा ने इसकी हत्या कर दी। कहते हैं कि कुछ सालों तक उदा मेवाड़ का शासक रहा था, लेकिन मेवाड़ सरदारों को पता चल गया था, मेवाड़ सरदारों को एट लास्ट में पता चल गया था कि कुंभा का जो हत्यारा था उसका बेटा ही कौन है बताओ, उदा है। तो ऐसी स्थिति में उदा को गद्दी से हटा दिया जाता है, और गद्दी पर किसको बैठा दिया जाता है, रायमल को बैठा दिया जाता है। तो ये भाग जाता है, ये कहाँ चला जाता है, इसके डर से भाग जाता है, बोले मारेंगे अब मेरे को भी बुरी तरह, पता चल गया अब आपके कांड का। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं कि उदा चला जाता है मांडू की तरफ, कहाँ चला जाता है, मांडू की तरफ चला जाता है। एट लास्ट में कहते हैं कि मांडू की तरफ जब गया था तो उदा पर गिर गई थी बिजली, क्या गिर गई बताओ, बिजली गिर गई थी। बिजली गिरने के कारण एट लास्ट में इसकी क्या हो गई थी, उदा की मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद मेवाड़ का जो शासक बनेगा वो कौन बनेगा, रायमल, राणा रायमल बनेगा। तो इसके बाद अपन बात करते राणा रायमल के, जिसके तीन खतरनाक सुपुत्र होंगे, वैसे तो 13 होंगे लेकिन तीन सर्वशक्तिशाली बेटे होंगे, जिनकी सहायता से ही मेवाड़ का आगे वंश बढ़ेगा, जिनमें सबसे खतरनाक शक्तिशाली जो शासक होगा वो राणा सांगा होगा। कौन होगा बताओ, राणा सांगा, तो इसी का बेटा था राणा सांगा। तो पहले अपन इस बात को ऐसे कैसे छापो, क्या हुआ, हाँ राणा कुंभा की पुत्री थी रमाबाई।